हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल आदि कल्चरल वर्ल्ड कान्हा जी के सभी भक्तों को मेरी तरफ से राधे कृष्णा मैं प्रार्थना करती हूं कि आप सभी स्वस्थ हों और खुश हों तो देखिए फ्रेंड्स आज हम लड्डू गोपाल जी के लिए ये बहुत ही खूबसूरत सी न्यू डिज़ाइन समर स्पेशल ड्रेस बनाएंगे आप देख सकते हैं इसका लुक कितना ज्यादा खूबसूरत लग रहा है तो सबसे पहले मैं कान्हा जी को ये ड्रेस पहना कर दिखाती हूँ तो देखिए फ्रेंड्स हमने लड्डू गोपाल जी को ये सुंदर सी पोशाक पहनाई है और आप देख सकते हैं कान्हा जी इस ड्रेस को पहनकर कितने अच्छे लग रहे हैं इस ड्रेस को बनाना भी बहुत आसान है मैंने एकदम सिंपल तरीके से ये सुंदर सी ड्रेस बनाना बताया है तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखिएगा जिससे कि आप भी बहुत आसानी से ये ड्रेस कान्हा जी को पहना सकते हैं अगर आप ड्रेस से रिलेटेड या फिर वीडियो से रिलेटेड कोई नॉलेज चाहते हैं या फिर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है आदि कल्चरल वॉल्ड टू सिक्स एट साथ ही साथ मुझे फॉलो भी करें तो चलिए फ्रेंड्स अब हम ये बहुत ही खूबसूरत सी कान्हा जी की न्यू डिजाइन समर स्पेशल ड्रेस बनाना शुरू करते हैं इसके पहले अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए साथ ही साथ बेलाइकन भी प्रेस करिए जिससे मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले ड्रेस बनाने के लिए हमने देखिए अस्तर के फैब्रिक में से एक लंबा सा पीस कट कर लिया है मैंने अस्तर का कपड़ा यूज़ किया है क्योंकि ये बहुत ही पतला होता है आप देख सकते हैं ये आर पार झलकता भी है साथ ही साथ प्योर कॉटन भी होता है तो कान्हा जी के लिए गर्मियों में कॉटन का कपड़ा बहुत ज़्यादा आरामदायक रहता है इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि कान्हा जी को गर्मियों में ज़्यादा से ज़्यादा कॉटन के कपड़े से बनी हुई ड्रेसेस ही पहनाऊँ इसीलिए मैं ये अस्तर का कपड़ा यूज़ कर रही हूँ पर अगर आपके पास अस्तर का फैब्रिक नहीं हो तो आप इसकी जगह पे रेन टफेटा सिल्क चंदेरी कोई भी कपड़ा यूज़ करके बहुत आसानी से ये ड्रेस बनाकर कान्हा जी को पहना सकते हैं एक बात और मैं आपको बता दूँ देखिए इसकी जो लंबाई रखी है मैंने अगर आपके पास इतना लंबा कपड़ा नहीं हो तो आप इसको पीसेस में कट करके जॉइंट भी कर सकते हैं मैंने भी देखिए इसको बीच में से ऐसे जॉइंट किया है अब मैं आपको इसका मेज़रमेंट बता देती हूँ तो सबसे पहले हम कपड़े की लंबाई का मेज़रमेंट देखेंगे इस तरीके से देखिए यहाँ किनारे से जब हम इसको मेज़र करते हैं तो कपड़े की जो टोटल लंबाई है वो मैंने थर्टी सेवन इंचस यानि कि सैंतीस इंच रखी है अब हम इसकी चौड़ाई देख लेंगे तो देखिए कपड़े की जो टोटल चौड़ाई है वो मैंने साढ़े तीन इंच यानी कि थ्री पॉइंट फाइव इंच रखी है अब हमें कपड़े को इस तरीके से रखना है पीछे की तरफ से और यहाँ नीचे से हम डबल फोल्ड करेंगे तो हमें देखिए एक बार फोल्ड करना है फिर एक बार और फोल्ड करना है ऐसे डबल फोल्ड करते हुए हम नीचे की तरफ से सिलाई लगाएंगे इसके साथ ही साथ इसके जो दोनों कॉर्नर्स हैं ना यहाँ पे भी हमें डबल फ़ोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है डबल फोल्ड करके सिलाई लगाने के बाद अब हम इसमें लेस लगाएंगे तो मैंने ये येलो कलर की थ्रेड लेस ले ली है आप देख सकते हैं ये कितनी सुंदर लेस है और मार्केट में बहुत ही इजीली मिल जाती है पर अगर आपके पास इसमें की लेस नहीं हो तो आप कोई भी दूसरी येलो कलर की लेस यूज़ कर सकते हैं जब भी मैं कॉटन के फैब्रिक से ड्रेस बनाती हूँ तो ज़्यादातर थ्रेड लेस या फिर पोम्पम लेस का यूज करती हूँ क्योंकि इन दोनों ही लेसेस का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है कॉटन के फैब्रिक के साथ अब हम क्या करेंगे यहाँ नीचे की तरफ से हमने जो डबल फोल्ड करके सिलाई लगाई है ना तो यहाँ से लेकर के लास्ट तक सिलाई लगाकर लेस भी ज्वाइंट कर लेंगे एक बात और मैं आपको बता दूं, लेस लगाना ऑप्शनल है आप चाहे तो लेस लगा के ये ड्रेस बना सकते हैं या फिर अगर आपके पास कोई भी लेस नहीं है तो आप बिना लेस लगाए भी बहुत आसानी से ये ड्रेस बनाकर कानाजी को पहना सकते हैं लेस लगाने के बाद अब हम इसमें प्लेट्स डालेंगे तो हमें देखिए इस तरीके से रखना है कपड़े को और दोनों तरफ से पकड़ के हम कपड़े को फोल्ड करके ये पहली प्लेट डालेंगे फिर दूसरी प्लेट डालने के लिए भी हमें कपड़े को देखिए दोनों तरफ से ऐसे फोल्ड करना है और ये जो पहली प्लेट हमने डाली है इसके ऊपर थोड़ी सी जगह छोड़ते हुए हम दूसरी प्लेट रखेंगे इसी तरीके से पतले पतले से एक के ऊपर एक करते हुए हमें प्लेट्स डालते जाना है और ऊपर की तरफ से सिलाई लगा लेनी है जब भी हम प्लेट डालेंगे तो हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि दोनों तरफ से पकड़ के तभी हम ऐसे प्लेट डालेंगे जिसकी वजह से आप देख सकते हैं ऊपर और नीचे दोनों ही तरफ से प्लेट्स एकदम बराबर पड़ती हैं हमने देखिए प्लेट्स डालते हुए ऊपर की तरफ से सिलाई लगा ली है और आप देख सकते हैं इसमें कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है अब हम कमर पे बेल्ट लगाएंगे तो उसके पहले मैं आपको कमर का मेज़रमेंट बता देती हूँ देखिए जब हम इसको मेज़र करते हैं तो कमर की जो टोटल चौड़ाई है वो मैंने चार इंच यानी कि फोर इंच रखी है अब हमें बेल्ट कट करना है तो मैंने यहाँ फिर से कॉटन के फैब्रिक में से एक पीस कट कर लिया है और इसकी यहाँ से यहाँ तक की जो टोटल चौड़ाई है वो मैंने पाँच इंच रखी है हमें ये चीज़ ध्यान रखना है जितनी हम कमर की टोटल चौड़ाई रखेंगे उसे एक इंच ज़्यादा चौड़ाई हमें बेल्ट की रखनी है तो कमर की चौड़ाई चार इंच थी इसीलिए मैंने बेल्ट की चौड़ाई पांच इंच रखी है अब हमें देखिए दोनों तरफ से पतला पतला सा ऐसे फोल्ड कर लेना है बेल्ट को और इस तरीके से हम कमर पे रखेंगे फिर यहां से लेके यहां तक सिलाई लगाकर हमें बेल्ट को कमर में जॉइंट कर लेना है सिलाई लगा के बेल्ट यहाँ पे जॉइंट करने के बाद अब हमें देखिए बेल्ट को ऐसे ऊपर की तरफ फोल्ड करना है और स्कर्ट को पलटकर हम पीछे की तरफ से रख लेंगे अब हमें इसमें डोरी लगानी है तो मैंने देखिए ये गोल्डन कलर की रेडीमेड डोरी ले ली है पर अगर आपके पास इसमें की डोरी नहीं हो तो आप खुद से डोरी बना भी लगा सकते हैं अब इस तरीके से ये देखिए जो हमने प्लेट्स डालते हुए सिलाई लगाई थी तो इसके ऊपर हम यहाँ पर रखेंगे डोरी हल्का सा अंदर करते हुए फिर ये जो बेल्ट है ना इसको हम पहले पतला सा फ़ोल्ड करेंगे एकदम पतला सा हमें फ़ोल्ड करना है एक बार फिर हम इसको एक बार और फोल्ड करेंगे और ये प्लेट्स डालते हुए हमने जो सिलाई लगाई है इसके ऊपर यहाँ पे रखते हुए आप देख सकते हैं फ्रेंड्स हमें एकदम नीचे की तरफ से इस पर सिलाई लगानी है क्योंकि अगर हम ऊपर से सिलाई लगाएंगे ना तो डोरी भी इसमें जॉइंट हो जाएगी फिर इधर उधर खिसकेगी नहीं इसीलिए हमें एकदम नीचे की तरफ से सिलाई लगा के बेल्ट जॉइंट करना है जैसे कि डोरी जॉइंट ना हो हमने देखिए सिलाई लगाकर बेल्ट ज्वाइंट कर लिया है और आप देख सकते हैं इसमें पीछे और आगे दोनों ही तरफ से बहुत अच्छी फिनिशिंग आई है साथ ही साथ हमने एकदम नीचे की तरफ से सिलाई लगाई है जिसकी वजह से डोरी भी ज्वाइंट नहीं हुई है इसको हम बहुत आसानी से देखिए इधर उधर खिसका सकते हैं अब स्कर्ट बनकर बिल्कुल तैयार है हम कान्हा जी के लिए चोली बनाएंगे चोली बनाने के लिए भी हमने कॉटन के फैब्रिक से एक पीस कट कर लिया है और इसकी यहाँ से यहाँ तक की जो टोटल लंबाई है वो मैंने देखिए 15 इंच यानी कि 15 इंच रखी है और इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने 2 इंच यानी कि 2 इंच रखी है अब यहाँ नीचे की तरफ से हमें इसको ऐसे डबल फोल्ड करके और इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है नीचे से डबल फोल्ड करके सिलाई हमने लगा लिया है अब हम इसमें भी प्लेट्स डालेंगे तो जैसा कि हमने स्कर्ट में डाला था प्लेट उसी तरीके से हमें पतले पतले से एक के ऊपर एक करते हुए ऐसे प्लेट्स डालना है और यहाँ ऊपर की तरफ से सिलाई लगा लेनी है प्लेट्स डालते हुए हमने देखिए यहाँ ऊपर की तरफ से सिलाई लगा ली है अब मैं प्लेट डालने के बाद भी इसकी टोटल चौड़ाई आपको बता देती हूँ तो देखिए अब इसकी जो टोटल चौड़ाई है वो मैंने थ्री इंच यानी कि तीन इंच रखी है अब हम इसमें भी लेस लगाएंगे तो मैंने देखिए ये फिर से येलो कलर की लेस ले ली है और जिधर की तरफ से हमने प्लेट्स डालते हुए सिलाई लगाई है उधर की तरफ से ही हम यहाँ से इस तरीके से लेस रखेंगे और लास्ट तक सिलाई लगाकर जॉइंट ज्वाइंट कर लेंगे लेस लगाने के बाद अब देखिए इसका लुक कुछ इस तरीके से आ जाएगा सेम ऐसे ही हमें एक पीस और तैयार कर लेना है तो देखिए फ्रेंड्स हमने ये दूसरा पीस भी बना के तैयार कर लिया है और दोनों ही पीसेस का मेजरमेंट एकदम बराबर है अब सबसे पहले हम एक के ऊपर एक करते हुए यहाँ सेंटर में रखेंगे और आधा इंच ऊपर तक सिलाई लगाकर दोनों पीसेस को ज्वाइंट कर लेंगे हमें ध्यान रखना है ये जो लेस वाली साइड है वो हमें अंदर की तरफ रखनी है सिलाई लगा के हमने दोनों पीसेस को ज्वाइंट कर लिया अब हमें स्कर्ट लेना है और इस तरीके से बीचों बीच में हम देखिए यहाँ पे ऐसे चोली रखेंगे फिर इधर वाला जो पीस है इसको हमें ऐसे फोल्ड करना है और इधर किनारे की तरफ से रख देना है ठीक इसी तरीके से इधर वाला जो पीस है इसको भी हम देखिए ऐसे फोल्ड करेंगे और किनारे की तरफ रख देंगे फिर हमें सिलाई लगाकर चोली ज्वाइंट कर लेनी है हमने देखिए सिलाई लगाकर चोली भी जॉइंट कर ली है अब ड्रेस का लुक कुछ ऐसे आ जाएगा हमें कान्हा जी को ड्रेस पहनाकर फिर पीछे की तरफ से ये डोरी बांध देनी है फिर देखिए ड्रेस कुछ ऐसे बन जाएगी तो देखिए फ्रेंड्स हमारे लड्डू गोपाल जी के लिए बहुत ही खूबसूरत सी न्यू डिज़ाइन समर स्पेशल ड्रेस बनकर बिल्कुल तैयार है और इसको बनाना भी बहुत आसान है तो अगर आपको मेरी बनाई हुई ये ड्रेस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें शेयर करें कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें साथ ही साथ आइकन भी प्रेस करें जिससे मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले थैंक यू